एक एक दिन में चार चार कैंडिडेट बदल रहे हैं। आप देखे ना कि तरैया में जनसुराज वाले जो आप उनके पैसे पे सवाल उठा रहे हैं, जनसुराज वाले कहते हैं कि पैसा कमा करके न लाए, अपने बुद्धि से न लाए, घोटाला करके तो नहीं। हम जनता के हितों की राजनीति कर रहे हैं, जनता का हित कैसे हो। और प्रशांत किशोर जो है वो लड़ाई लड़ता है कि हम सत्ता कैसे हासिल करें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी, झूठी वादे करता, झूठा आश्वासन देता हो कि मैं स्वच्छ छवि वाले को दूंगा, तो हम लोग बिहार की जनता नकार चुकी है। कहीं कोई उपाय नहीं है। एक सागर का नाम है प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत किशोर जब उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे थे तो उसी दिन उन्होंने कहा था कि वो सबको टिकट देंगे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिसकी आपराधिक छवि है या कोई माफिया है, क्योंकि जो बिहार में पार्टियां हैं वो माफियाओं से भरी हुई है, ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन जब कैंडिडेट, जो उपचुनाव के कैंडिडेट की घोषणा होती है, तो उसमें से जो है तीन, क्योंकि हमारे पास जो है ये है पेपर में कटिंग है, सबूत है कि तीन जो लोग हैं वो आपराधिक छवि के हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि कम से कम ग्रेजुएट तो हम जरूर देंगे, क्योंकि बार बार वो राजद पे और अन्य नेता जो है उनके कम क्वालिफिकेशन पे जो है तंज कसते रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं की कैंडिडेट जो एक दसवीं पास है उन पर सवाल उठता है कि अपने ही पास से इतनी जल्दी प्रशांत किशोर कैसे मुकर गए, तो इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी, हमसे बोलेंगे कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो किसी भी आपराधिक छवि वाले को टिकट नहीं देंगे, तो और बार बार आप पर ही तंज कसते हैं कि पूरी भरी पड़ी है माफियाओं से राजा, तो आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। गरीब गुरबा जब राजनीति के परिवेश में आता है तो तमाम लोगों में खलबली मच जाती है कि भाई गरीब कैसे राजनीति करेगा, वंचित समाज राजनीति क्यों करेगा। लोगों को तकलीफ होता है, तो चूंकि वो भी उसी दुनिया के रहने वाले हैं, प्रशांत किशोर को भी काफ़ी तकलीफ है राष्ट्रीय जनता दल से कि राष्ट्रीय जनता दल क्यों बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। हम 20 वर्ष से सत्ता में नहीं हैं, लेकिन एक दिन नहीं बैठे हैं। हम लोग कोई सत्ता के लोभी नहीं है कि सत्ता के लिए राजनीति करें। हम जनता के हितों की राजनीति कर रहे हैं, जनता का हित कैसे हो। जनता की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, उसके हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। और प्रशांत किशोर जो है वो लड़ाई लड़ता है कि हम सत्ता कैसे हासिल कर लें। तो वेरी डिफरेंस है इस मामले में, काफ़ी अंतर है ऐसे लोगों में जो सत्ता की राजनीति करता हो और जो झूठी वादे करता, झूठा आश्वासन देता हो कि मैं स्वच्छ छवि वाले को दूंगा, मैं पढ़े लिखे लोगों को दूंगा कि सदन में एक आवाज़ बन करके काम करे। यही ना प्रशांत किशोर जी का कहना था, लेकिन हुआ क्या? आप जब चारों का बायोडाटा आप देखिएगा जो नॉमिनेशन पेपर में लोगों ने भरा है, तो उसमें साफ आपको झलक मिल जाएगा ये तमाम लोग जो है अपराधी छवि के लोग हैं। हमारे लोगों में देखिए, हमारे लोग तो जानबूझ करके लोगों ने फंसाया, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी जी हो, कि राबड़ी देवी जी हो, सब जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत लोगों ने खेल खेला कि किसी तरह सामाजिक न्याय की शक्ति को बिहार में कमज़ोर कर दें। अब प्रशांत किशोर, हमको जो लग रहा है, मेरे व्यक्तिगत राय है कि हमको जो लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं किसी एजेंट की भूमिका में है। वो चाहते हैं कि हम लोग पार्टी को डैमेज कर दें, लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता काफ़ी समझदार है और बिहार की जनता इसी चार सीट के चुनाव में देख ली कि एक एक दिन में चार चार कैंडिडेट बदल रहे हैं। आप देखे ना कि तरैया में इल्जाम लगाया उन्होंने कि साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ करके जो दो कैंडिडेट उन्होंने चेंज किए उनको फंसाया जा रहा था। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। प्रशांत किशोर के मैंने पहले ही बोला कि उसके कथनी करने में काफ़ी अंतर है। देखिएगा, जब उपचुनाव में तमाम लोगों का साफ हो जाएगा पत्ता और राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर पर रहेगी चारों विधानसभा क्षेत्र में, हम जीत हासिल कर रहे हैं। झारखंड में भी हमारा पोजीशन अच्छा है, वहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भी सरकार बन रही है। अगर प्रशांत किशोर ज़्यादा पावरफुल है तो जाके झारखंड में कैंडिडेट को लड़वाया क्यों नहीं भाई? झारखंड, अरे बिहार तैयारी का केंद्र बिंदु है क्या? सच्चे बिहारी है, सच्चे बिहार। बिहार को अपने राज्य को देखेंगे तो ना दूसरे राज्य को देखेंगे। बिहार में रहे हैं तो ही जब प्रोफेशनल पर्सन, वो चुनाव का प्रचार प्रसार करता था, चुनाव का 2 करोड़ दीजिए तो चुनाव जिताने का ठीका ले लेगा। कौन बिजनेस नहीं करता है भाई? कौन बिजनेस करता है? पैसा कहाँ से? हम लोग राजनीति में बिजनेस करते हैं क्या? जो दिन रात बिजनेस करें,
तो जनसुराज वाले जो आप उनके पैसे पे सवाल उठा रहे हैं, जनसुराज वाले कहते हैं कि पैसा कमा करके न लाए, अपने बुद्धि से न लाए, घोटाला करके तो नहीं न लाए, कमा के लाए, उतना पैसा कमाए जितना बुद्धि से पैसा। अरे सुनिएगा ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरे है, आप उनसे पूछिएगा ना कि जो आपकी आमदनी हुई, जो कह रहे हैं कि हम इतना सभी तमाम कैंडिडेटों को देंगे, तो रिटर्न फाइल हुआ पार्टी का या किसी अपने व्यक्तिगत रूप से जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका जिक्र किए हैं कि हम इतना रुपया कमाए हैं? अगर रुपया नहीं कमाए तो वाइट मनी कैसे हुआ, ब्लैक मनी हुआ? क्या दूसरे की बात करेंगे कि कहाँ से पैसा है ना? इसलिए हम लोग जो है प्रशांत किशोर को हम लोग बिहार की जनता नकार चुकी है, कहीं कोई उपाय नहीं है। एक सागर का नाम है प्रशांत महासागर, वहाँ जाकर के विलीन हो जाएंगे, वहाँ जाकर के विलीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे एकदम। आप क्या बोल रहे हैं, अरे क्या लगता है उपचुनाव में क्या लगता है, क्योंकि पहले तो थी ही पार्टियाँ, एनडीए तो आ ही गई, अब जनसुराज आ गई, ये कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा और बहुत कठिन नहीं हो गया? कोई राष्ट्रीय जनता दल के कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। हमारा दल महान दल है, जनता का प्रिय दल का उसका नाम है जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जो जनता के दिलों में बसने वाला ये पार्टी है, ये नहीं कि कहीं इधर उधर से बसने वाले लोग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है आज़ाद गांधी जी थे, उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर एक सागर है, वहाँ जा करके प्रशांत किशोर डूब जाएंगे, चुनाव क्या जीतेंगे। बाकी आपकी क्या राय थी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।